वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यस टेक्निक में। यस टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट्स रिलेटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो आज आपकी फिर से एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, और आज की वीडियो का टॉपिक क्या है ये आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मतलब जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है जिसके हम पिछले लेक्चर्स अभी तक पढ़ रहे थे, जिनमें हमने कंस्ट्रक्शन देख ली, वर्किंग देख ली, रोटर की टाइप देख ली है, इसके बाद और छोटे मोटे टॉपिक्स थे वो देख लिए। अब हमें टर्मिनोलॉजी थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड देखनी है, जिसमें हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स और आ जाएंगे, जैसे कि आपकी सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड, आपके रोटर करंट, रोटर ईएमएफ, रोटर फ्रीक्वेंसी, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स आ जाएंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो चैनल के नाम के आगे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसे प्रेस कर दें। अगर प्रेस कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। कमेंट तो जरूर किया करो बच्चों, जब तक डाउट अपने बताओगे नहीं तो हम क्लियर कैसे करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। क्या है बच्चों टॉपिक? टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके बच्चों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, टर्मिनोलॉजी पढ़ने में क्या हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं। हम सिंक्रोनस स्पीड पढ़ेंगे, यहां पर रोटर स्पीड पढ़ेंगे, यहां पर रोटर ईएमएफ पढ़ेंगे, रोटर करंट पढ़ेंगे, रोटर इंपीडेंस पढ़ेंगे, और ऐसी और अच्छी अच्छी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो काम मैंने आपको बोला है वो जरूर कर देना। तो पहले स्टार्ट करते हैं किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। तो आइए बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड से आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है ये समझ लेते हैं हम। मैंने पिछली वीडियो जो कि हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग की थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, इसमें अंदर की पार्ट में क्या होंगे, स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है बच्चों, क्लियर क्लियर एक बात समझते जाना। स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग है, इसके अंदर एक रोटर है, रोटर पर भी क्या है, रोटर वाइंडिंग है, कंडक्टर के रूप में दिखा रहे हैं जिनको हम। ठीक है बच्चों, ये साफ लगेंगे। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई देते हैं। कौन सी सप्लाई देते हैं बच्चों? क्योंकि थ्री फेज मोटर है ना हमारी, थ्री फेज एसी सप्लाई देती है। तो चलो, थ्री फेज से एसी सप्लाई दे दी हमने इसमें, स्टेटर कंडक्टर्स में। अब बच्चों, मैंने आपको वर्किंग में बताया था, एनिमेशन के थ्रू समझाया था, जिनने वर्किंग ना देखी हो वो जरूर जाके देख ले, बहुत अच्छे से समझाई है मैंने। तो क्या है, स्टेटर में जब मैंने थ्री फेज एसी सप्लाई दे दी, अपने थ्री फेज एसी सप्लाई दी, तो इसने क्या किया, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई। हम उसको मैग्नेटिक फील्ड को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसके पोल्स हैं वो भी रोटेट हो रहे थे। जैसे कि ये एन अभी यहाँ पर बन रहा है, तो ये रोटेट होते हुए यहाँ आएगा, उसी के साथ में एस यहाँ पर बन रहा है, तो ऐसे रोटेट होते हुए यहाँ आता जाएगा। ऐसे ही समझते जाइए, मतलब एन रोटेट होते हुए यहाँ पर आएंगे, फिर एस यहाँ से रोटेट होता हुआ यहाँ गया, फिर वहाँ गया, मतलब ये एक प्रकार से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ठीक है बच्चों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन गई, अब इसमें पोल्स भी रोटेट हो रहे हैं। तो बच्चों, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट हो रही है, कोई स्पीड तो होगी इसकी, तो उस स्पीड को बच्चों मैंने सिंक्रोनस स्पीड बोलना है। मतलब सिंक्रोनस स्पीड क्या है हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, स्टेटर बाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई देने पर उसके द्वारा बनाई गई
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंक्रोनस स्पीड। क्या कहते हैं बच्चों? एक बार डेफिनेशन देखिए। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई देने पर उसके द्वारा बनाई गई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। इसी को हम अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहें बच्चों, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से रोटेट होती है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो बच्चों जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है ना, ये सिंक्रोनस स्पीड बच्चों हमारी एनएस से डिनोट की जाती है। किससे बच्चों? एनएस से। एनएस से डिनोट करी जाती है बच्चों। तो एनएस से डिनोट तो करी जाती है अब, क्योंकि ये हमारी एक रोटेटिंग स्पीड है। तो बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट बच्चों इसकी होगी आरपीएम। क्या होगी बच्चों यूनिट? आरपीएम। आरपीएम को फुल फॉर्म सबको पता है ना, राउंड पर मिनट। तो बच्चों एनएस को आरपीएम में मेजर करेंगे, पर इसका फॉर्मूला क्या है? तो एनएस बराबर होता है बच्चों, एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी। और यहां पर बच्चों एफ क्या है? ये हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो थ्री फेज एसी सप्लाई आप यहां पर स्टेटर में दे रहे हैं ना, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी तो होगी ना, वो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एफ से। ओके बच्चों, पी हमारे क्या है? पी यहां पर नंबर ऑफ पोल्स है। ओके बच्चों, तो एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी, ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा है बच्चों हमारा? अगला टॉपिक है हमारा बच्चों रोटर स्पीड। रोटर स्पीड और स्पीड ऑफ मोटर। तो बच्चों क्या होता है? जो हमारा रोटर होता है वो भी रोटेट होता है ना। तो रोटर जिस स्पीड से रोटर होता है, रोटेट होता है, उस स्पीड को भी तो कुछ नाम देना है हमें, तो उसको नाम दे देते हैं रोटर स्पीड। और बच्चों क्या होता है? जो रोटर स्पीड होती है हमारी, वही हमारी मोटर की स्पीड होती है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर जिस स्पीड से रोटेट होता है उस स्पीड को क्या कहते हैं बच्चों? रोटर स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रोटर स्पीड। बच्चों देखो, आपको एक एक लाइन में इसलिए बार बार समझा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल डेफिनेशन, ये छोटी मोटी है, बिल्कुल याद हो जाए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, आपको मतलब इन्हें ऐसा ना रटना ना पड़े आप, नहीं तो एग्जाम से पहले एक दो दो लाइन पढ़ रहे हैं, ये सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ऐसे रोटर स्पीड कहते हैं, पर ऐसा नहीं करेंगे हम, बिल्कुल एक एक चीज को समझते चलेंगे ताकि हमें रटने की आदत ना पड़े और हम हर चीज को समझने की कोशिश किया करें। तो ये हमारी क्या हमने समझ ली कि जो रोटर हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है वो जिस स्पीड से रोटेट होता है उस स्पीड को हम रोटर स्पीड कहते हैं, और हमारी रोटर स्पीड ही मोटर की स्पीड होती है। और रोटर स्पीड को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं? एनआर से। एनआर से डिनोट करते हैं बच्चों। और एनआर से डिनोट करते हैं तो क्या इसका कोई फॉर्मूला है? और ये क्योंकि बच्चों ये भी स्पीड है ना, रोटेटिंग स्पीड, तो ये क्या होगी? आरपीएम में मेजर की जाएगी। अब बच्चों एनआर क्या होगी? एनआर किस में मेजर करेंगे हम बच्चों? एनआर को आरपीएम में मेजर करेंगे, और एनआर का फॉर्मूला क्या होगा? एनएस इंटू 1 माइनस एस। क्या होगा बच्चों? एनआर बराबर एनएस इंटू 1 माइनस एस। यहां पर एनएस हमारी क्या है बच्चों? सिंक्रोनस स्पीड इसमें आरपीएम में। और बच्चों यहां पर स्लिप, ये एस क्या हमारी स्लिप है बच्चों। स्लिप क्या होती है? जिनको ना पता हो वो अगली, अभी हम स्लिप ही पढ़ने वाले हैं, ये जान लीजिए एस हमारी स्लिप होती है, ये स्मॉल एस है ये। ठीक है बच्चों, तो रोटर स्पीड देख ली हमने, या जिसको हम स्पीड ऑफ मोटर भी कहते हैं, ये हमने देख ली।
इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, वो हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, स्पीड, वो सॉरी स्लिप स्पीड, यानी कि इसको स्लिप स्पीड भी बोल सकते हैं और स्लिप भी बोल सकते हैं और स्लिप। तो बच्चों अभी हमने कौन कौन सी दो स्पीड देखी, एक तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड देखी जिस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी, और एक आपकी रोटर स्पीड देखी जिस स्पीड से रोटर रोटेट हो रहा था, और रोटर की स्पीड को ही हम मोटर की स्पीड बोल रहे थे। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो स्लिप होती है, अब देखिए हमारी क्या है, हमने वर्किंग में देखा कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो हमेशा किससे ज्यादा होती है, एनआर से, मतलब एनआर हमेशा कम होती है एनएस। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है, इन दोनों स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम कहते हैं बच्चों स्लिप। स्लिप एस बराबर होता है बच्चों एन एस माइनस एन आर, मतलब सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लिप, जैसे हम इस स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी स्लिप को बच्चों कई फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसे कि एक फॉर्म तो इसका होता है बच्चों फ्रैक्शनल स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप क्या होते हैं बच्चों, बच्चों जब हम स्लिप को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दिखाएं तब हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल स्लिप, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन, ये फ्रैक्शन के रूप में है इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल स्लिप। अब ये फ्रैक्शनल स्लिप हमने देख ली, अब बच्चों इसी अब हम परसेंटेज स्लिप और देखेंगे, परसेंटेज स्लिप। अब इसी फ्रैक्शन में क्या करें, अगर हम 100 से इंटू करा दें तो यही क्या परसेंटेज नहीं हो जाएगी, मतलब बच्चों जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं ये क्या हमारी ऐसे डिनोट कर देंगे, परसेंट का साइन लगा दो और स्मॉल एस बना दो, बराबर क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू में क्या कर दो बच्चों, 100 कर दो, तो ये कौन सी हो गई हमारी परसेंटेज स्लिप। मतलब स्लिप क्या होता है, सबसे पहले दोनों स्पीड का अंतर जो कि एन एस माइनस एन आर है, और जो कि फ्रैक्शनल स्लिप क्या होती है, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, मतलब स्लिप को फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना। उसके बाद परसेंटेज स्लिप क्या होती है, स्लिप को प्रतिशत में व्यक्त करना, परसेंटेज स्लिप होती है। ठीक है, अब बच्चों स्लिप भी देख ली हमने, इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा देखने वाले हैं बच्चों हम, अब देखिए बच्चों स्लिप भी पढ़ ली, तो स्लिप के बाद हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रोटर ईएमएफ। तो रोटर ईएमएफ क्या होता है बच्चों, ईएमएफ तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं आपको बता दूं, हमने फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है बच्चों, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, लो पढ़ा है हमने ये। ठीक है बच्चों, तो हमारा रोटर जो है, ये रोटर भी क्या करता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें रोटेट होता है जिसके फ्लक्स को क्या करता है, कट करता है। अब रोटर कंडक्टर्स ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट कर दिया तो क्या हुआ, उन कंडक्टर्स में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब जो ईएमएफ रोटर रनिंग करते हुए कट करता है उसको ही हम रोटर ईएमएफ बोलते हैं, यानी कि इसको अगर लिख लें कैसे लिखेंगे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में रनिंग कंडीशन, बच्चों रनिंग कंडीशन जरूर बोलना आप लोग, रनिंग कंडीशन में प्रोड्यूस ईएमएफ जो कि प्रोड्यूस उत्पन्न होगा ना उसको बोलेंगे प्रोड्यूस ईएमएफ को रोटर ईएमएफ कहते हैं। क्या है बच्चों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में रनिंग कंडीशन में प्रोड्यूस ईएमएफ को रोटर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईआर से। अब क्योंकि बच्चों ये ईएमएफ है तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में। ओके बच्चों, अब ईआर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ईआर का फॉर्मूला होता है ईआर बराबर एस ई टू। क्या होता है बच्चों, ई टू यहां पर स्लिप, एस तो हम समझ लिया स्लिप है हमारी, ई टू क्या है, तो बच्चों क्या होता है,
जैसे कि हमारा स्टेटर है, डायग्राम केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ बच्चों, बनाना मत इसको, केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारी रोटर है, ठीक है बच्चों। अभी हमारा स्टेटर है, ये रोटर है, तो ये स्टेटर ने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दी। कैसी बना दी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जैसे कि रोटेट हो रही है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप से पास होकर रोटर कंडक्टर्स के चारों ओर आ गई, ठीक है बच्चों, आ गई। चलो अब इस क्या रोटर, जैसे ही हम सब मतलब जैसे ही हमारे मोटर को सप्लाई दी, क्या रोटर तुरंत ही रोटेशन करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में से मोशन कंडीशन में आने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब सप्लाई देने के बाद भी कुछ टाइम तक क्या करेगा, रोटर स्थिर रहता है, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उतने सप्लाई देने के बाद भी जितने टाइम तक मोटर स्थिर रहता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो बच्चों E2 आपका होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में प्रोड्यूस EMF, रोटर में स्टैंड स्टिल कंडीशन में प्रोड्यूस EMF, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, ER बराबर SE2, जो कि E2 हमारा क्या है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर में प्रोड्यूस EMF। ओके बच्चों, ये देख लिया। अब इसके बाद जो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है बच्चों हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चों हमारा, ये हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों? फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? आपने देखा रोटर में एक EMF प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम रोटर EMF बोल रहे हैं। कोई भी EMF हो, कोई भी वोल्टेज हो, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो रोटर में जो EMF प्रोड्यूस होगा उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रोटर फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, रोटर में प्रोड्यूस EMF, बच्चों यहां पर रनिंग कंडीशन लिख लिया ना, रोटर में रनिंग कंडीशन में, क्योंकि एक तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में भी होता है, तो अपन रनिंग कंडीशन वाली बात कर रहे हैं। रनिंग कंडीशन में प्रोड्यूस EMF को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस EMF की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रोटर फ्रीक्वेंसी। कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, रोटर में रनिंग कंडीशन में प्रोड्यूस EMF की फ्रीक्वेंसी को रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, FR से, मतलब FR से डिनोट करते हैं आपके, तो और FR क्या होता है बच्चों, SF, यहाँ पर S जानते हैं बच्चों क्या होती है, स्लिप होती है, F क्या होती है बच्चों, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो रोटर में EMF प्रोड्यूस हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, रोटर फ्रीक्वेंसी, और FR से नोट करेंगे, FR बराबर SF, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, यानी कि साइकिल पर सेकंड। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक क्या हमारा, तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा रोटर करंट। तो बच्चे हेराडे ने हमसे क्या कहा था कि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को कट करेगा, तो उसमें एक EMF प्रोड्यूस हो जाएगा, चलिए ठीक हो गया, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी थी। अब हमने क्या देखा, जो EMF प्रोड्यूस हो गया उसने फिर ये भी बोला था बाद में कि अगर कंडक्टर जो हमारा है वो अगर क्लोज सर्किट यानी कि क्लोज पाथ में है, तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी फ्लो होने लगेगी। अब वो इंड्यूस करंट भी फ्लो होने लगेगी तो रोटर में भी तो कुछ ऐसा ही होगा, जब रोटर EMF बन गया तो अब इसमें भी तो कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट फ्लो होगी, तो उस EMF, उस मतलब करंट को हम क्या बोलेंगे, रोटर करंट। मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में
मतलब थ्री फेज वाइंडिंग होती है ना स्टेटर में, तो क्या होती है रोटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है ना, तो और थ्री फेज वाइंडिंग में तीन फेज होते हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में पर फेज में साथ लिख लेना विद स्लिप, पर फेज में इंड्यूस्ड करंट पर फेज में इंड्यूस करंट को बच्चे हम क्या बोलेंगे विद स्लिप जरूर लिख लेना, पर फेज में इंड्यूस करंट को बच्चे हम बोलेंगे रोटर करंट। क्या हुआ बच्चों, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में पर फेज में इंड्यूस करंट को रोटर करंट कहते हैं, ये हमने इस टॉपिक में देख लिया बच्चों। अब रोटर करंट कहते हैं तो इसको किसी से डिनोट करते होंगे, वो हम डिनोट करते हैं आई टू से, और बच्चों आई टू का फॉर्मूला क्या होता है एस ई टू अपॉन जेड टू, जहां पर एस स्लिप है, ई टू आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन में प्रोड्यूस ईएमएफ है, जेड टू क्या है जेड टू रोटर इंपीडेंस है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही क्योंकि एस ई टू को हम ई आर भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ई आर अपॉन जेड टू, मतलब आई टू बराबर एस ई टू अपॉन जेड टू बराबर ई आर अपॉन जेड टू, ई आर यहाँ पर हमारा रोटर ईएमएफ है और जेड टू रोटर इंपीडेंस है। ओके बच्चों, क्योंकि हमारी रोटर करंट है तो हमारी करंट किस में मेजर की जाती है एम्पियर में। ओके बच्चों ठीक है, ये टॉपिक भी समझ में आ गया, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, रोटर इंपीडेंस, रोटर इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है बच्चों पता है सबको, एसी सर्किट में इंपीडेंस होता है ना, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं जेड से, ऐसे ही हमारे रोटर का भी कुछ इंपीडेंस होता है, तो उस इंपीडेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों रोटर इंपीडेंस। मतलब हमारा जो रोटर होता है थ्री फेज, इसमें थ्री फेज वाइंडिंग होती है रोटर में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के में लिख रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में पर फेज का इंपीडेंस क्या कहलाता है बच्चों रोटर इंपीडेंस, क्या कहलाता है बच्चों रोटर इंपीडेंस। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़िए बच्चों, क्या है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पर फेज रोटर में पर फेज में इंपीडेंस पर फेज में इनटू इंपीडेंस को रोटर इंपीडेंस कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों जेड टू से, और जेड टू बराबर क्या होता है बच्चों हमारा आर टू का स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या होता है अंडर रूट। और बच्चों इंपीडेंस को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, इंपीडेंस को मेजर किया जाता है ओम में। ठीक है बच्चों, तो आपने रोटर इंपीडेंस भी देख लिया, रोटर में पर फेज का जो इंपीडेंस होता है उसको हम रोटर इंपीडेंस कहते हैं विद स्लिप, और यहां लिख लेना क्या होती है विद स्लिप, रनिंग कंडीशन वाली बात हो रही है बच्चों। इसके बाद जो आपका आखिरी लास्ट का टॉपिक है आज का, तो बच्चों इसके बाद हम टॉपिक देखने वाले हैं रोटर पावर फैक्टर। कौन से टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों, रोटर पावर फैक्टर। तो रोटर पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर तो बच्चों पढ़ा होगा आप लोगों ने, पावर फैक्टर क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है ना, ऐसे ही रोटर का भी वो मोटर होती है इसमें भी तो पावर फैक्टर होता होगा ना। तो अब देखिए रोटर पावर फैक्टर क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस तथा रोटर इंपीडेंस का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों, का रेशियो रोटर पावर फैक्टर कहलाता है, रोटर पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या है रोटर पावर फैक्टर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस और रोटर इंपीडेंस का रेशियो रोटर पावर फैक्टर कहलाता है। और बच्चों रोटर रेजिस्टेंस को आर टू से डिनोट करते हैं तो कॉस फाई टू,
और रोटर पावर फैक्टर को बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस फाई टू से, और कॉस फाई टू बराबर होता है आर टू अपॉन जेड टू बच्चों, जहां पर आर टू क्या है रोटर रेजिस्टेंस है और जेड टू क्या है रोटर इम्पीडेंस है, और कॉस फाई टू की क्या आर टू अपॉन जेड टू में दिखा दिया, यूनिट तो कोई इसकी हो गई नहीं। तो आज हमने आखिरी टॉपिक भी ये देख लिया, अब क्या है बच्चों रिविजन टाइम, चलिए रिविजन करते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में तो आया होगा एक एक टॉपिक, फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट हो या रिवाइज करना है तो अभी रिवाइज कर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, इससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बस हमारा चैनल देख लीजिए। पॉलीटेक्निक तो समझिए भैया, पॉलीटेक्निक होता क्या है, पॉलीटेक्निक तो निकल जाएगी ऐसी ऐसी, आपकी तो कॉम्पिटिशन की और प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहाँ क्या पढ़ रहे थे बच्चों, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें हम सिंक्रोनस स्पीड पढ़ी हमने, क्या होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में सप्लाई देने पर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और इसे एनएस से डिनोट करते हैं, एनएस बराबर 120 एफ अपॉन पी होता है। ओके बच्चों, और इसकी यूनिट आरपीएम होती है। इसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक देखा बच्चों वो होती है हमारी रोटर स्पीड या स्पीड ऑफ मोटर, मतलब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर स्पीड को ही मोटर की स्पीड कहते हैं, और रोटर स्पीड क्या होती है जिस स्पीड से रोटर हमारा रोटेट होता है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं एनआर से, और एनआर बराबर क्या होता है बच्चों एनएस इंटू वन माइनस एस, यहाँ पर एनएस आपकी सिंक्रोनस स्पीड और एस स्लिप। इसके बाद क्या देखा था बच्चों हमने स्लिप स्पीड या स्लिप, तो बच्चों हमने क्या देखा था सिंक्रोनस स्पीड हमेशा रोटर की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को हम स्लिप बोलते हैं, एस बराबर एन एस माइनस एन आर। अब इसी को जब हम फ्रैक्शनल के फॉर्म में दिखाते हैं तो क्या होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते हैं तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू 100। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या हमने देखा रोटर ई एम एफ, तो रोटर ई एम एफ में क्या देखा बच्चों थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर की रनिंग कंडीशन में रोटर में वाइंडिंग में जो कि हमारा रोटर ई एम एफ जो ई एम एफ प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों रोटर ई एम एफ, और जिसे हम ई आर से डिनोट करते हैं बच्चों, और ई आर बराबर होता है एस ई टू, और एस यहाँ पर क्या है स्लिप, ई टू स्टैंड स्टिल कंडीशन में प्रोड्यूस ई एम एफ। स्टैंड स्टिल कंडीशन मैंने क्या बताई है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई देने के बाद भी कुछ टाइम तक रोटर क्या होगा स्थिर अवस्था में रहेगा, इस अवस्था को हम क्या बोलेंगे स्टैंड स्टिल कंडीशन। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमने क्या देखा था बच्चों रोटर फ्रीक्वेंसी, बच्चों हमने क्या देखा जो हमारा रोटर ईएमएफ होता है उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों रोटर फ्रीक्वेंसी, इसे हम किससे डिनोट कर रहे थे बच्चों एफ आर से, एफ आर बराबर थी एस एफ के, और एस स्लिप थी एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी थी। ओके बच्चों, इसके बाद जो हमारा छठवां पॉइंट था वो था हमारा रोटर करंट, तो बच्चों रोटर करंट क्या होती है, तो रोटर करंट क्या होती है जब आपका रोटर रोटेट हुआ उसने ईएमएफ प्रोड्यूस किया, तो ईएमएफ के साथ अब रोटर क्योंकि रोटर कंडक्टर क्लोज सर्किट में है तो उसमें एक इंड्यूस करंट भी फ्लो होगी ना, तो उस इंड्यूस करंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों रोटर करंट, उस पर फेज के हिसाब से क्योंकि थ्री फेज रोटर होता है थ्री फेज वाइंडिंग होती है रोटर में, इसलिए तो पर फेज में इंड्यूस ईएमएफ को रोटर करंट कहते हैं, इंड्यूस करंट को रोटर करंट कहते हैं, इसे आई टू से डिनोट करते हैं, आई टू बराबर एस ई टू अपॉन जेड टू बराबर ई आर अपॉन जेड टू, और एम्पियर में मेजर करते हैं। ओके बच्चों, अगला टॉपिक हमने क्या देखा रोटर इम्पीडेंस, हमने क्या देखा जब हमारा कोई भी मटेरियल हो कोई भी सर्किट हो उसमें इम्पीडेंस होता है ना, तो क्या हमने देखा कि जो रोटर होता है रोटर में भी कुछ ना कुछ इम्पीडेंस होता है पर फेज में, जिसको हम रोटर इम्पीडेंस बोलते हैं, और जेड टू से डिनोट करते हैं, जेड टू बराबर अंडर रूट में आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का स्क्वायर, और ओम में मेजर करते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हमने क्या देखा था रोटर पावर फैक्टर, और रोटर पावर फैक्टर क्या था बच्चों रोटर रेजिस्टेंस और रोटर इम्पीडेंस का रेशियो, तो जिसको हम कॉस फाई टू से डिनोट कर रहे थे, तो कॉस फाई टू बराबर आर टू अपॉन जेड टू, जहाँ आर टू रोटर रेजिस्टेंस और जेड टू रोटर इम्पीडेंस। तो इस प्रकार बच्चों हमने लास्ट टॉपिक का भी रिविजन कर लिया, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही बताएंगे हम उस डाउट को पढ़कर अपनी अगली वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है आपका बताना, इसलिए बताया जरूर करिए हम लोगों को अपने डाउट को, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपके डाउट को देखते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं सब देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं,
और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।